ज्वालामुखी में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गरीब और असहाय लोगों को दो समय का भोजन मिल रहा है। बस स्टैंड के सामने गेट एक पर सभी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक भोजन खिलाया जा रहा है। राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने कहा कि जिनके घर पर खाने को कुछ भी नहीं है वह लोग लंगर में खाना खा ले। धवाला ने खुद आकर लंगर की व्यवस्था जांची और अधिकारियों को कहा कि लंगर स्वादिष्ट हो और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। SDM मंकुश शर्मा, मंदिर अधिकारी विशन दास शर्मा का कहना है कि गरीबों के लिए लगने वाला ये लंगर हर रोज लगता रहेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता। लंगर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और लंगर बांटते समय दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रमेश धवाला का कहना है कि प्रशासन के साथ मिलकर गरीब लोगों के घर द्वार पर राशन पहुंचाया जा रहा है जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे। मुखी में जो लोग गरीब हैं, इसके अलावा कोई मांगने वाले हैं, भिखारी हैं और जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति जो है उसको यहाँ पका हुआ भोजन जो है वो मंदिर से बना करके ला रहे हैं और यहाँ पे लोगों को कम से कम 100-150-200 लोगों को रोजाना 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ये भोजन जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर कोई ऐसा नीडी आदमी हो या ऐसा ज़रूरतमंद हो तो यहाँ पे वो भोजन जो है वो कर सकते हैं। ये मंदिर के सौजन्य से ये सारा लोगों को यहाँ पे होटल बंद हैं, सारा सब कुछ कर्फ्यू को देखते हुए ऐसा किया गया है। इसलिए मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मंदिर के ये अपने पुजारी हैं, उनके सौजन्य से यहाँ पे मंदिर में जो भी हमारे पास राशन है उसको पका करके गरीबों को खिलाया जा रहा है ताकि कोई भूखे पेट जो है वो ना सोए। इतना जो है वो प्रशासन की तरफ से और मंदिर की तरफ से किया गया है। धन्यवाद। ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को पानी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति ने खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मास्क और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।